के भी जो मुख्यमंत्री है इज्जतमान आप उद्धव ठाकरे साहब, ये सिर्फ शिवसेना के मुख्यमंत्री है या कांग्रेस या राष्ट्रवादी के मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं है। इनकी सरकारें हैं, ये मेरे भी मुख्यमंत्री है, और उनके खिलाफ अगर कोई गलत बयानी करता है, गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता है, तो किसी भी स्तर के ऊपर कोई भी महाराष्ट्रियन इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उद्धव साहब के खिलाफ किया गया है, मैंने उसकी निंदा की है कि आप बहस कर सकते हैं, आप डिबेट कर सकते हैं, वाद विवाद आप कर सकते हैं, लेकिन अगर गलत लहजों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो वो आपकी मानसिकता क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, आपका कल्चर क्या है, वो उस बात को दर्शाता है। मेरा उद्धव साहब की पार्टी के साथ वैचारिक मतभेद है, पॉलिटिकल मतभेद है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, वो रहने भी चाहिए इसमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें अपना दुश्मन समझकर गाली गलौज के साथ बात करूं या उनसे अरितुरी के अंदर बात करूं। एक ओहदे की मर्यादा होती है, उसका एक रिस्पेक्ट होता है, कम से कम उसका रिस्पेक्ट करिएगा, और उसके बाहर अगर गए आप तो मेरे हिसाब से वो आपकी तहजीब क्या है उसको बता दो। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी, आज मैंने महसूस किया है। और आज मैं इस देश को वचन देती हूं कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी। और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता, ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।